नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए बार फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात अध्ययन अध्यापन कराएंगे। राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत में हमने छह सिद्धांतों की बात की। उन छह सिद्धांतों में अब जो हमारा सिद्धांत चल रहा है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत चल रहा है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हम बात कर रहे थे आधुनिक संबंधवाद, आधुनिक अनुबंधवाद, आधुनिक अनुबंधवाद। आधुनिक अनुबंधवाद की हम बात करते हैं तो इसमें तीन विचार के नाम आते हैं, होब्स, लोक और रूसो। होब्स, लोक और रूसो हमने अब तक के अध्ययन में होब्स और लोक को पढ़ लिया। अब तक के अध्ययन में हमने होब्स और लोक को पढ़ लिया है, थॉमस होब्स को पढ़ लिया है, लोक को पढ़ लिया है। अब हम करेंगे रूसो की बात, या रूसो का पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो का जो जन्म था या इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1712 से ईस्वी में। 1712 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1767 ईस्वी में इस दुनिया से चले गए। तो हम बात करते हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत में आधुनिक अनुबंधवाद में। आधुनिक अनुबंधवाद में तीन विचारों के नाम आते हैं, होब्स, लोक और रूसो। होब्स, लोक और रूसो भी हमने होब्स और लोक को उम्रों में अध्ययन कर लिया, उसका अध्ययन कर लिया कि उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का क्या अध्ययन किया। अब हम करते हैं रूसो के बारे में। और रूसो का पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो। इसका सबसे पहले हम किसी भी विचार का अध्ययन करते हैं तो बात आती है उसकी जीवनी की, और जीवनी हर विचार को हर आदमी को प्रभावित करती है। हम जीन जैक्स रूसो की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी के दोनों पूर्व के विचारक थे, दोनों पूर्व के जो विचारक थे होब्स और लोक, इनकी पृष्ठभूमि ब्रिटेन थी, इनकी पृष्ठभूमि ब्रिटेन थी, इनकी पृष्ठभूमि ब्रिटेन थी। और रूसो की पृष्ठभूमि क्या थी, फ्रांस। रूसो की पृष्ठभूमि क्या थी, फ्रांस। तो 18वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी विचारक रूसो का जन्म 23 जून 1712 को जिनेवा में हुआ। 23 जून 1712 को जिनेवा में जीन जैक्स रूसो का जन्म हुआ। बाल्यकाल में, युवावस्था में उन्होंने नियमित शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर उनकी शिक्षा नियमित नहीं हुई, बड़ी अनियमित और अव्यवस्थित जीवन व्यतीत किया। लेकिन जीन जैक्स रूसो प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के बल पर विश्व के महान दार्शनिक बन गए। हालांकि उन्होंने उनकी शिक्षा अव्यवस्थित और अनियमित, कभी कहीं गई कभी कहीं गई, ऐसे उनकी शिक्षा का नाम बोल रहा, कभी उन्होंने छोड़ दी। परंतु अपनी प्रकृति ने जो प्रतिभा दी थी, प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के बल पर वो एक महान दार्शनिक बन गए, एक महान विचारक बन गए। उन्होंने संपूर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण की मांग फ्रांस के राज्य ग्रंथ को सुदर्श दार्शनिक आधार दिया। उन्होंने एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक पुनर्व्यवस्था की मांग की, पुनर्निर्माण की मांग की, जिन्होंने सुदर्श दार्शनिक आधार प्रदान किया। उन्होंने अपने लेखक, उनके दो लेखक प्रकाशित हुए, डिस्कोर्सेस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्सेस ऑन द प्रोग्रेस, ऑन द प्रोग्रेस, डिस्कोर्सेस ऑन द प्रोग्रेस, डिस्कोर्सेस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स एंड साइंस। उनकी पहली घटना थी कि डिस्कोर्सेस ऑन द प्रोग्रेस
आर्ट्स एंड साइंसेस। उनका पहला लेख था डिस्कोर्सेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, डिस्कोर्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, पहला उनका लेख था। पहली रचना उनकी ये थी डिस्कोर्सेस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, और दूसरा था डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी। दूसरी जो उनका लेख था डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ऑन इनइक्वालिटी। उन्होंने दो लेख लिखे, उन्होंने दो पत्रों का सारांश लिखा। उन दो पत्रों के माध्यम से उन्होंने उस समय का साम्राज्यवाद था, उस समय का सभ्य जन था, उनके दोषों पर विचार किया, उनकी कमियों का विचार किया। परंतु हमारे दृष्टिकोण से 1762 में उनके प्रकाशित पुस्तक सामाजिक संहिता, सामाजिक संहिता, उनके एक पुस्तक प्रकाशित हुई सामाजिक संहिता, जो मुख्य इसलिए है क्योंकि इसमें समाज का निर्माण किया गया है, और यहाँ आपने अध्ययन किसका कर रहे हैं, सामाजिक समझौते का। तो उनकी दो मुख्य रचनाएं जो थी, डिस्कोर्स ऑन प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, दूसरा डिस्कोर्स ऑन द इनइक्वालिटी, दूसरा प्रोग्रेस ऑफ इनइक्वालिटी। तो उनकी परंतु 1762 में उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई उसको सामाजिक संहिता, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट महत्वपूर्ण रचना थी जिसमें उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया। चूंकि यहाँ हम सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाली रचनाएं तो जीव लक्ष्य वर्णों की महत्वपूर्ण रचनाएं थी, परंतु अपने लिए यहाँ महत्वपूर्ण रचना थी जो 1762 में प्रकाशित हुई थी, उसमें की दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संहिता। सामाजिक संहिता महत्वपूर्ण पुस्तक है। होबस और लोग के समान रूसों ने भी सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया, जैसा उन्होंने क्या डिसाइडन किया, किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, समझौते का प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं किया, लेकिन रूसों ने जिस रूप में अपने विचारों का प्रतिपादन किया उसमें, जिस रूप में उन्होंने अपना प्रतिपादन किया उनमें स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र का सदुपयोग कहा जाता है। रूसों की जीवनी में स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र का आग्रह, सामाजिक सुविधा के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में प्रकाशित हुई, उसके आधार पर हालांकि जीन जेम्स रूसो ने भी होबस और लोग की तरह अपने विचार किए, किंतु जीन जेम्स रूसो को हम स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र का अग्रदूत कहते हैं, हम स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र का अग्रदूत बन गया। उनकी ऐसी रचनाएं थी जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया, इस दिशा में इस ओर महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा इसी में जीन जेम्स रूसो का दूसरा, जीन जेम्स रूसो का दूसरा पॉइंट, मानव स्वभाव और प्राकृतिक स्वभाव, मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, मानव स्वभाव क्या है और उसकी प्राकृतिक अवस्था क्या है, मानव स्वभाव और उसकी प्राकृतिक अवस्था। रूसो का मत था प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जीवन बुद्धि द्वारा संचित न होकर भाव द्वारा संचित। देखो दो चीजें हम बात ध्यान देने वाली, वो उसने भी क्या कहा था, मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू रहता नहीं होता है। लोग ने क्या बताया था, मनुष्य दया सहानुभूति का गुण होता है। इन दोनों को छोड़ के जब स्वार्थी, झगड़ालू ऐसा कर लिया है तो इसलिए इन्होंने क्या किया, निरंकुश राजतंत्र की बात की। इसलिए इन्होंने किसकी बात की, निरंकुश राजतंत्र की। होबस ने जो सिद्धांत दिए दया, प्रेम और सहानुभूति, तो इसलिए उन्होंने वैधानिक लोक राजतंत्र की बात की, इसलिए उन्होंने वैधानिक राजतंत्र की बात की। रूसो की जो रचनाएं हैं उसमें स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र की बात की गई है। स्वतंत्रता और समानता की, प्रजातंत्र की बात इसलिए की गई है कि उन दोनों विचारकों से भिन्न, उन दोनों विचारकों से भिन्न
रूसो ने विचार प्रतिपादित किए कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन बुद्धि द्वारा संचालित नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन था बुद्धि द्वारा संचालित था, न होकर भाव द्वारा संचालित था। भाव द्वारा संचालित था व्यक्ति का जीवन, भाव द्वारा संचालित था। और भाव क्या था ये बात मुख्य है। भाव क्या था? भाव ये था मानव क्या चाहता था, किस लिए उसका जीवन संचालित था। भाव ये था कि आत्मरक्षा की प्रकृति और दया की प्रकृति। भाव था आत्मरक्षा और दया, दो उसमें भाव था। भाव द्वारा संचालित था आदि जो मनुष्य का जीवन था, प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन था, वो किसी भी बुद्धि द्वारा संचालित नहीं होकर भाव द्वारा संचालित था। और भाव था मानव की आत्मरक्षा और दया। भाव क्या था? आत्मरक्षा और दया। अब आदि मनुष्य रूसो अपनी धारणा में मानता है कि आदि मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य निष्पाप, उसमें कोई पाप नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, निर्दोष था, स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ था। वह नैतिकता के विचारों से रहित था और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। बुद्धि नाम की चीज नहीं। रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। आदि मनुष्य एकांकी और जंगली जीवन तो व्यतीत करता था, उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी। उसकी इच्छा और आवश्यकता ये थी कि अपनी रक्षा करना और खान पान करना। पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। इस अवस्था में मनुष्य स्वार्थी होते हुए भी एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह इन सिद्धांत के अनुसार आचरण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार आचरण करता है, कौन करता है? प्राकृतिक मनुष्य। किस सिद्धांत का आचरण करता है? अपनी हित साधना करो, अपनी हित साधन करो किंतु दूसरे की कम से कम संभव हानि हो, किसी की हानि न हो। इस प्राकृतिक अवस्था की बर्बरतापूर्ण अवश्य था, बर्बरता थी इस अवस्था में, इसमें बर्बरता थी। और बर्बरता के कारण आदर्श बर्बर था, यानी इसके अनुसार क्या था? आदर्श बर्बर का प्राकृतिक अवस्था था, आदर्श बर्बर मनुष्य था। बर्बरता तो थी परंतु आदर्श बर्बर था। आदर्श बर्बर यह था कि दूसरे व्यक्ति को कम से कम नुकसान, उसे सभ्य कह जाने वाले मनुष्य के दुर्गुण न थे। इस प्रकार आदि मनुष्य प्राकृतिक आदर्श थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक न रह सकी। ये थोड़े समय तक रही, इसके साथ साथ धीरे धीरे मनुष्य ने अनेक बुराइयों को ग्रहण कर लिया, धीरे धीरे अनेक बुराइयां हुई। अब उन बुराइयों को दूर करने के लिए, उन बुराइयों को समझने के लिए, उन बुराइयों के परिणाम स्वरूप एक उक्ति प्रसिद्ध है। उन बुराइयों के परिणाम स्वरूप एक उक्ति प्रसिद्ध है या कहावत प्रसिद्ध है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु फिर भी प्रत्येक स्थान पर बंधन है। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है परंतु प्रत्येक स्थान पर बंधन है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में संपत्ति का विचार है, व्यक्ति में धन दौलत का विचार है, तेरे मेरे की भावना का उदय हुआ। रूसो ने कहा है वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने एक भूभाग में एक बाड़े को घेर कर यह कहा यह भूमि मेरी है, और जिसे उसके कथन के प्रति विश्वास करने में सफल व्यक्ति मिल गए। उसकी बात को उसने कहा मेरी भूमि है, उसको सारे व्यक्ति मिल गए। मानव सभ्यता को संपत्ति रूपी सर्प के उत्पन्न होने के कारण सुख शांति काफ़ी हो गई, यानी जब संपत्ति की बात आई तो सुख शांति चली गई। संघर्ष ईर्ष्या द्वेष की भावना का प्रादुर्भाव हुआ, यानी भाव को द्वारा संचालित था। फिर आदमी में हित की भावना आई, धन की बात आई तो क्या हुआ? ईर्ष्या द्वेष और अहंकार की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। जनसंख्या की वृद्धि के कारण वातावरण को और अधिक विषाक्त कर दिया। फिर जब ऐसी व्यवस्था आई ईर्ष्या द्वेष और अहंकार, जब हमारी ऐसी व्यवस्था आई ईर्ष्या द्वेष और अहंकार जब यह अवस्था आई तो आदमी को किस चीज की जरूरत पड़ी, मनुष्य को किस चीज की जरूरत पड़ी? ईर्ष्या द्वेष और अहंकार के कारण मनुष्य में एक साफ समझौते की आवश्यकता होगी, और इस समझौते को हम सामाजिक समझौता कहते हैं।
यह सामाजिक समझौता कौन सा था, इस बारे में हम बात करते हैं। किसका सामाजिक समझौता? जॉन डेक्स जीन डेक्स रूसो का समझौता। अब जब ईर्ष्या द्वेष और अहंकार की भावना पैदा हुई, जब यह संपत्ति की भावना पैदा हुई तो एक समझौता हुआ। इस प्रकार जो समझौता हुआ वो प्राकृतिक अवस्था में सरलता समानता और प्रसन्नता जाती है। अब यह समझौता तब हुआ जब प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति का आविर्भाव हुआ। संपत्ति का आविर्भाव से एक व्यक्ति ने यह कहा कि इस ये सारी जमीन संपत्ति मेरी है, ये सारी जमीन मेरी है। उसको सब लोगों ने मान लिया, सब लोगों ने मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति में ईर्ष्या द्वेष और अहंकार का भाव पैदा हुआ। ईर्ष्या द्वेष और अहंकार का भाव पैदा हुआ तो इस ईर्ष्या द्वेष और अहंकार की भावना से पहले आदमी सरल था, समानता था, प्रसन्नता थी। वो सारी की सारी समानता सरलता प्रसन्नता चली गई क्योंकि मनुष्य में ईर्ष्या द्वेष और अहंकार का भाव पैदा हो गया। समाज की लगभग वही दशा होगी जो होब्स की थी। होब्स में कौन सी प्राकृतिक अवस्था की बात की थी? अहंकार, स्वार्थ और लालच। अब ये जब अवस्था हुई, ये प्राकृतिक अवस्था थी, तो युद्ध और संघर्ष के कारण इस अवस्था का अंत करने के लिए युद्ध और संघर्ष के इस वातावरण, कौन सा युद्ध और संघर्ष का वातावरण था कि जिसमें आदमी अहंकारी हो गया था और उसको संपत्ति का लोभ हो गया था, इसका अंत करने के लिए मनुष्य लड़े ना, इसका अंत करने के लिए व्यक्तियों ने एक समझौता किया, एक समझौता करने का निश्चय किया कि समस्त व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा संपूर्ण अधिकारों का संपूर्ण समर्पण कर दिया गया। सभी ने कहा कि हम यहाँ अपने अधिकार छोड़ देते हैं, किंतु अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, संपूर्ण समाज के प्रति किया गया। और वहाँ एक समझौता हुआ, समझौते के परिणाम स्वरूप एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई। उस सामान्य इच्छा का अध्ययन अपने कल करें। सभी व्यक्तियों ने उस सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। तो रूसो ने अपने समझौते के अंतर्गत कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण शक्ति का सामान्य पूर्वक प्रयोग सामान्य इच्छा के निर्देशन के अधीन समर्पित करता है, तथा एक समूह है के रूप में प्रत्येक समूह के अविभाजित रूप से व्यक्ति तथा उसकी संपूर्ण शक्ति को ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हस्तांतरण, किसके हस्तांतरण? शक्ति। इस प्रकार के हस्तांतरण में सभी व्यक्तियों को लाभ है और इस प्रकार से पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम राज्य और राजनीतिक समाज है, और ये एक सामाजिक समझौता था। अब है रूसो के सिद्धांत की आलोचना। रूसो के सिद्धांत की आलोचना, रूसो के सिद्धांत की आलोचना, रूसो के सिद्धांत की आलोचना की। अब हर सिद्धांत की कुछ आलोचना इसी प्रकार से रूसो के सिद्धांत की आलोचना है। पहली रटिलता ही आलोचना यह है, पहली रटिलता ही कमी यह है प्राकृतिक अवस्था का। पहली जो आलोचना है प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था का। रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है उसको आलोचकों ने काल्पनिक बताया है, जिसका कोई आधार नहीं है, ये कल्पना पर आधारित है। मनुष्य इतना शांतिपूर्ण, सुखी और आदर्श जीवन व्यतीत कैसे कर सकता है? और गार्नर ने कहा है ऐसी अवस्था केवल कवि दार्शनिक के मस्तिष्क में आ सकती है, वास्तविकता में नहीं। दूसरा है सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया जो कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या परे है। रूसो का सिद्धांत अस्पष्ट और जटिल तथा साधारण व्यक्ति की समस्या परे है। रूसो ने व्यक्ति को राजा तथा नागरिक दोनों का स्थान प्रदान किया। राज्य सत्ता के अधीन होने के कारण राजा, प्रजा और राजशक्ति एक भोग होने के कारण वह नागरिक है। इस प्रकार रूसो के अनुसार जब किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो दंड स्वयं उसकी इच्छा से मिलता है। ये बातें व्यक्ति की समस्या परे है। बुद्धिमान व्यक्ति से मजाक समझता है। रूसो की विचारधारा से अस्पष्टता और जटिलता समय से परिचित था, इसी कारण वह लिखता है जो सामाजिक अनुबंध को पूरा समझ ले वह सबसे अधिक बुद्धिमान है।
नंबर तीन सिद्धांत में विरोधाभास, सिद्धांत में विरोधाभास, सिद्धांत में विरोधाभास। रूसो के सिद्धांत न केवल विरोधाभास से परिपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक ओर रूसो कहता है कि समझौता व्यक्ति और समाज में होता है और दूसरी ओर कहता है कि समझौते के परिणाम है। तो इस प्रकार सिद्धांत में विरोधाभास है। नंबर चार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का अंतर, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का अंतर। रूसो के अनुसार, रूसो के समझौते के अनुसार, समझौते में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों समाज को सौंप देता है। इस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसी आधार पर लाल मार्ग ने एक बार कहा है, क्या विश्व में यह अच्छा होना होता कि रूसो का जन्म ही ना होता। नंबर पांच राजसत्ता ने पुरुषों को स्वेच्छा दी, राजसत्ता निर्पुरुष और स्वेच्छता है। रूसो के अनुसार रूसो के सामाजिक समझौते के अंतर्गत राजसत्ता का सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, परंतु सामान्य इच्छा की जो व्याख्या की गई है उसको निर्पुष तथा सविस्तारी राज्य को जन्म दिया। रूसो ने राज्य और समाज का अंतर न किए जाने के कारण रूसो को राज्य का सर्वाधिकारी बन जाता है, जिसे होबस का शीर्ष विहीन लेवाइथन कहा जाता है। फिर भी हम बात करते हैं आलोचना के बाद भी जीन जैक्स रूसो के सिद्धांत के महत्व को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, महत्व को भी हम नकार नहीं सकते। आलोचकों की आलोचना होते पर भी इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि रूसो का राजनीतिक दर्शन अमर भेंट करता है। नंबर एक है राजनीतिक दर्शन दिया, जो कि राजनीति विज्ञान का अमर भेंट है, राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण। दूसरा जो उसका है सामान्य इच्छा लोकतंत्र और जनशक्ति पर शासन पर प्रतिपादित है। रूसो ने इसका जो उन्होंने दूसरा दिया है सामान्य इच्छा लोकतंत्र और जनशक्ति, इसका मतलब उन्होंने लोकतंत्र का रास्ता दिया है, लोकतंत्र का जनक कह सकते हैं, लोकतंत्र का जनक कह सकते हैं। तीसरा है पुरुषों के दर्शन में स्वतंत्रता और उनके अधिकारों का सबसे प्रबल समर्थन मिलता है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति को सबसे ज्यादा प्रबल मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति यानी तीन उसकी विशेषताएं, तीन उसकी महत्व। हम एक बार पुनः देख लेते हैं, आज हमने ये पाठ फर्स्ट दोनों एक दूसरे का अलग विचार थे, दोनों बेटे के दार्शनिक थे, इसलिए उनके बेटे के विचार बदलाव हुए। जॉन जैक्स और रूसो फ्रांस के थे, इसलिए उनको फ्रांस के विचार बदलाव हुए। तो उनके अंदर जिंदगी को देखा, मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था को देखा, फिर समझौते की बात की, फिर सिद्धांत की आलोचना। आलोचनाओं में प्राकृतिक अवस्था का काल्पनिक है, अस्पष्ट और जटिल है, सिद्धांत के लिए विरोधाभास है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का अंत है और राजसत्ता निर्पुष और सुविधाकारी है। तो उन्हें राजनीतिक दर्शन, लोकतंत्र का जनक और फ्रांसीसी क्रांति। इस प्रकार हमने जीन जैक्स रूसो को पढ़ने की कोशिश की, जीन जैक्स रूसो आपको समझाया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा जीन जैक्स रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत, सामान्य इच्छा शक्ति। नमस्कार, धन्यवाद।